हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000। गाइस, सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन 15 से 20 हज़ार के अंदर ही सेल होते हैं और इसीलिए हम लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए बेकार है। 20,000 के अंदर जो सबसे चार बेस्ट स्मार्टफोन है, मैंने उन्हीं को चुना है। स्मार्टफोन का जो रैंकिंग है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से है, बट आप ये मत समझना कि जो फोर्थ नंबर वाला स्मार्टफोन वो बेकार है और जो फर्स्ट नंबर वाला स्मार्टफोन वो अच्छा है। सभी स्मार्टफोन बेस्ट लेवल के हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड रिव्यूज देखने के बाद मैंने इन चारों स्मार्टफोन को चुना है। ये चारों स्मार्टफोन इस टाइम के बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब मैं बताता हूँ कि हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा 20,000 के अंदर। तो यहाँ पर आपको 8 GB का बड़ा रैम देखने को मिल जाएगा, 128 GB का बड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, तगड़ी गेमिंग के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट, स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। पर 5G बैंड का सपोर्ट होगा, मतलब 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर है सिक्योर हो जाएगा। 108 मेगापिक्सल का मेन बैक कैमरा जिससे कि आप हाई लेवल की फोटोज क्लिक कर सकोगे। 5000mAh का बैटरी है, उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 120W का सुपर डार्ट चार्जर भी होगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो होगा ही, 120Hz का रिफ्रेश रेट तो होगा ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, और आप बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर में रैंक करता है वो OnePlus की तरफ से OnePlus Nord C2 Lite 5G। अगर आपको 18 से 19,000 के अंदर एक OnePlus ब्रांडिंग वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस, OnePlus का जो प्लस पॉइंट है वो इसका UI काफ़ी कमाल का लगता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 3.5mm का हेडफोन जैक है, फोन को लगाने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 64MP प्लस 2MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे क्वालिटी के फोटो मिल जाते हैं। इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। परफॉर्मेंस सेक्टर इस स्मार्टफोन का बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी अच्छे लेवल के गेमिंग कर सकते हो। ये जो स्मार्टफोन टोटल 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है। 6.59 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। डिस्प्ले आपको डिसेंट लेवल का मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइजिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है वो 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 रुपये, एंड 8128 का जो प्राइस है वो 20,000 रुपये है। 1000 से 1500 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। गाइस, स्मार्टफोन लेने से पहले आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे प्राइस चेक कर लेना, क्योंकि इन दोनों वेबसाइट पे आपको 1000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो अगर आपको वन प्लस ब्रांडिंग वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर रैंक करता है वो रियलमी की तरफ से रियलमी 10 Pro 5G। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में काफ़ी कमाल का डिज़ाइन है। प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है, डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप 2 SIM लगा सकते हो या फिर 1 SIM प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, फोन को लॉक करने के लिए साइड और लॉक है, और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। गाइस, फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगाता है और 1 दिन का बैटरी बैकअप इससे आपको आराम से मिल जाएगा। 6.62 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। 618 नीट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, एंड डबल रीइंफोर्स डिस्प्ले का प्रोडक्शन भी है। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108 MP जिसमें लगा सैमसंग का HM6 वाला सेंसर प्लस 2 MP का डुअल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में लगा 16 MP का सेल्फी कैमरा। गाइस, इसके फ्रंट वाले कैमरे में आपको सोनी MX471 का सेंसर देखने को मिलता है। इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छे लेवल के फोटोज निकाल के दे देगा। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट जो कि 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाता है, डे टू डे लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड इसे आप मीडियम टू हाई सेटिंग पे अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है।
अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 19,000 रुपये एंड 8128 का जो प्राइस है वो 20,000 रुपये। 1,000 से 2,000 का बैंक डिस्काउंट मिलेगा, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला वेरियंट आपको 18,000 में देखने को मिलेगा। और अगर आपको 18,000 के अंदर एक बेस्ट यूनिक डिजाइन वाले ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहो, बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर में रैंक करता है वो मोटो की तरफ से मोटो G82 5G। अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले एंड एड्री वाला एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5mm का हेडफोन जैक है, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन को लगाने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 5000mAh का बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए 33W का इनबॉक्स चार्जर भी है। यहाँ पर आपको इसके बैक में 50MP जिसमें लगा OIS का सेंसर प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसके फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरे से आप 1080p पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इसका ठीक ठाक मिल जाता है और प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्म करता है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। ओवरऑल डिस्प्ले परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें लगा स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट, ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपको जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस 19,999 रुपये यानी कि 20,000 रुपये। 1,000 से 1,500 का इसमें भी आपको बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा। देन इफेक्टिवली इसके 6128 वाला वेरिएंट आपको 19,000 में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हम लोग बात करेंगे पहले नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मुझसे पूछ सकते हो। तो जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर में रैंक करता है वो Xiaomi की तरफ से Xiaomi 11 हाइपर चार्ज। अगर आपको 120 वाट का सुपर डार्ट चार्जर, 108 मेगापिक्सल का मेन बैक कैमरा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, मतलब कि सब कुछ अगर आपको एकदम बेस्ट लेवल का चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 25,000 के करीब है, बट बैंक एंड कार्ड ऑफर लगाने के बाद 20,000 से 21,000 में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा और सेल में आपको बिना किसी बैंक एंड कार्ड ऑफर के 22,000 से 23,000 में देखने को मिलता है। और उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। IP53 सर्टिफाइड है, मतलब कि हल्का फुल्का पानी और डस्ट रोक सकता है। डुअल स्टोरेज स्पीकर देखने को मिलता है, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा, हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस है, मतलब इसमें आप दो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फोन कॉल लगाने के लिए साइड और लॉक है और ये स्मार्टफोन ऑटोडॉक एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 4,500mAh का बैटरी देखने को, तो उसको तेजी से चार्ज करने के लिए 120 वाट का सुपर डार्ट चार्जर भी है। गाइस 15 से 20 मिनट में यह स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा और एक दिन का बैटरी बैकअप इससे आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसमें लगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट, परफॉर्मेंस इसमें आपको टॉप नॉच का मिल जाएगा। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को हाई सेटिंग पर लॉन्ग टर्म तक खेल पाओगे। ये जो स्मार्टफोन टोटल 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, मतलब कि 5G को लेकर आपका जो फ्यूचर हो सिक्योर हो जाएगा। 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी है। कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले भी आपको टॉप नॉच का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके बैक में 108MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है एंड इसको फ्रंट में लगा 16MP का सेल्फी कैमरा। गाइस इसके बैक वाले कैमरे से आप 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट वाले कैमरे से आप 1080 वीडियो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसके 6128 का जो प्राइस है 24,999 रुपये, 3,000 का प्रीपेड डिस्काउंट मिल जाएगा किसी बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे एंड टोटल 4,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास ICICI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है। और गाइस अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से जुगाड़ कर लो। अगर आपको 25,000 का स्मार्टफोन 20,000 में चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन एकदम कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है, मतलब कि अगर आपको 20,000 से 21,000 के अंदर एक कंप्लीट पैकेज वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। गाइस इसमें आपको 120W का सुपर डार्ट चार्जर मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 920G का 5G चिपसेट मिल जाता है, 108MP का मेन बैक कैमरा मिल जाता है, मतलब कि सब कुछ आपको एकदम बेस्ट लेवल का मिल जाता है।
तो ये थे इस टाइम के टॉप 4 बेस्ट एंड तगड़े स्मार्टफोन अंडर 20,000। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल पे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।